हेलो दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माइडिया के 93 लीटर के रेफ्रिजरेटर को। देखिए दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर मेनली स्मॉल ऑफिस या सिंगल पर्सन के लिए है। इसको आप फैमिली के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अब वो फैमिली चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ये एक सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर और डायरेक्ट कूल डिफ्रॉस्टिंग टाइप के साथ आता है, यानी आपको फ्रीज़र मैनुअली डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा जब आइस जमने लगेगी। ये रेफ्रिजरेटर नॉर्मल कंप्रेसर और सिंगल स्टार रेटिंग के साथ आता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा माइडिया कंपनी क्लेम करती है, जबकि ये एक नॉर्मल कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है। तो सेफ साइड के लिए आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर माइडिया ने 2020 में लॉन्च किया था और ये R600A कूलिंग गैस के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कूलिंग गैस है, आप सभी जानते हैं। इसके डायमेंशंस के हिसाब से आप इसको कहीं भी छोटी जगह पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे स्पेस कम हो, इसके डायमेंशंस के हिसाब से आप वहाँ पे इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसका वेट 20.5 kg है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो माइडिया की तरफ से आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलेगी और 5 ईयर्स की कंप्रेसर पे। अब 11,000 के आसपास तक के रेफ्रिजरेटर में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, बट जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, लाइक गर्मियों में आपको ठंडा पानी मिल जाए, बर्फ़ मिल जाए, या थोड़ा बहुत फूड आइटम्स आप स्टोर कर लें, इसके लिए ये रेफ्रिजरेटर परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।